तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोग? आए अरे भाई बढ़िया होंगे। मुझे सुबह उड़ो बैठे हो वहाँ पे। और भाई आज का हमारा प्रोग्राम ये है भाई, भाई आज ये जो टायर है नहीं, फिर से खोलना पड़ेगा। ये देख लो क्या हाल हो रहा है इसका। कीड़ा सा बाहर आ रहा है इसमें से साइड से। तो मशीन जैसे रोड पे चलती है हम, तो ऐसे ऐसे होती है, आडिटे डिटे खोलना पड़ेगा। ये टायर तो नहीं देगा भाई काम। पुराना वाला जो टायर था ना, जो बिल्कुल पुराने वाला टायर था, वो चढ़वाऊंगा इस पे। उसके अंदर फिर पोर्ट के लिए देना पड़ेगा यहाँ पे। जस्सा खोल रहा है टायर को। खोल दे फिर मास्टर के गियर कहूंगा। सिर्फ इस टायर की वजह पूरे काम की बैंड बजी पड़ी है बिल्कुल। सिर्फ साढ़े इस टायर की वजह से पूरा काम रुका हुआ है। देखते हैं भाई आज अगर वो होता है तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। तो भैया मैं आ गया था भाई यहाँ पे साइड पे, ये वाला टायर चढ़वा के अपने मशीन का। और भाई यहाँ पे फिर से आके फिर पंचर हो गया। रोड पे चलते चलते मशीन का पंचर हो गया टायर। ये मैंने पुराना वाला टायर चढ़वाया था इसको, फिर दोबारा फिर 1 घंटे में इसका फिर से वही पंचर हो गया। इस हफ्ते के अंदर ये टायर रोज खुलता है, डेली 1 या 2 बार। ठीक है ये भाई, यहाँ पे रोड़ाई का अड्डा, यहाँ से थोड़ी सी आगे और था काम, बीच में बोलगी मशीन, तो इसको मैं खोल रहा हूँ अभी। और ट्रैक्टर बुलाया है। तो भैया मुझे तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई, इसकी तो ट्यूब है ना, वो भी मैं बदलवानी पड़ी, क्योंकि इस वाली ट्यूब के अंदर कम से कम 10-11 पंचर हो लिए अब तक इस हफ्ते के अंदर। और पिछला हफ्ता गया उसके अंदर 10-11 पंचर मायने रखता है। ट्यूब भी बदलवानी पड़े, क्योंकि भाई ज्यादा पंचर हो जाते हैं ट्यूब में, हवा रोकने की स्ट्रेंथ होती है ना कम हो जाती है बिल्कुल, इसलिए तो बार बार में हो रहा है। तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, अभी इसको खोल के इसके अंदर साइड पे भाई पहुंचे ना। भारी मशीन 5 दिन हो रही है ना, और भूत बात गए यार कि रोड को सांग हो गए यार। नजर उतरवानी पड़ेगी भाई, एक मशीन की उतारनी पड़ेगी एक सप्ते से साइड पे। गाइस अब हम जीरा गोला पीएंगे। जीरो तो आए भाई, चलो ठीक है। बार ये देख टाइम हाथ होगी ये कट। तो भाई अभी हो रही है रात भाई बिल्कुल, और रात के 8 बज रहे हैं, और अभी मशीन का जो टायर पिंचर रिपेयर होके आया है। ठीक है हेलो गाइस। तो भाई अभी इसको करके मशीन में और फिर जाएंगे अपने घर, देखते कितने बजे तक पहुंचते। तो भैया हमने कर दी इसकी फिटिंग, जा रहे हैं अपने स्कूल पे। ठीक है, और अभी भाई रात के बज रहे हैं 8:30। तो पहुंचते पहुंचते भाई 9:30 से और 10 के बीच का टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर है यहाँ से अपना स्कूल। तो भैया हम पहुंच गए भाई अपने घर फाइनली, रात के 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कल मिलता हूँ। तो टायर को या तो बदलेंगे या फिर देखते क्या कुछ इलाज होता है उसका। ठीक है, तो खाना पीना कर लिया हमने कंप्लीट यहीं पे।